अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव, जिसके लिए हमें चाहिए जायफल जावित्री, देख सकते हैं कितनी सी है, बे लीव्स 3 से 4, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, साबुत सौंफ 1 टेबलस्पून, 4 से 5 जवे लहसुन के, 3 से 4 टुकड़े अदरक के, 4 टुकड़े प्याज के, और खड़ा गरम मसाला, देख सकते हैं आप इसमें 2-3 चीज़ें ही हैं, और नमक हसबे ज़ायका, और ये बीफ हमारा हड्डी वाला गोश्त। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम अपने वेसल में अपना बीफ ऐड करेंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारा गोश्त गल जाए, क्योंकि हमने इसको प्रेशर नहीं लगाना। अब इसमें वो सारे मसाले डालेंगे जो हमने आपको दिखाए थे, इसमें वो सब ऐड कर दीजिए। इसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे रख दें, गोश्त गलने तक इसको पकने दें मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। जी, गोश्त हमारा गल चुका है, देखिए बिल्कुल टेंडर हो चुका है गोश्त हमारा। अब हम इसमें से यखनी और गोश्त को अलग कर लेंगे, और जो इसमें मसाले ऐड किए थे वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनका रस ही चाहिए था जो इसमें ऐड हो चुका है। चले बनाने के लिए तैयार करते हैं। पुलाव बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें है मीडियम टमाटर, 1 टमाटर, बड़ी वाली हरी मिर्च उसको बीच में से कट कर लिया हमने, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, मीडियम साइज़ की अनियन उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया हमने, खड़े मसाले जिसमें सिनेमन स्टिक है, बादियान के फूल हैं, छोटी इलायची है 3 से 4, और गोल मिर्चें और लौंगे हैं 6 से 7, अदरक हमारे पास आलू बुखारे हैं, 1 टेबलस्पून हमारे सफ़ेद ज़ीरा है, आधी प्याली हमारे पास दही है, 1/2 किलो ही हमारे पास चावल है बनस्पति। चलें पुलाव बनाते हैं हम अपना। जी व्यूअर्स, अब इसमें हम अपने ऑयल डालेंगे, 2 सर्विंग स्पून ऑयल डाला है इसमें मैंने। अब इसमें हम अपने अनियन शामिल करेंगे, और अनियन को इस तरह शामिल करना है कि अनियन बिल्कुल अलहदा अलहदा हो जाए, ताकि वो उनको फ्राई होने में आसानी हो और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इससे हमारी अनियन की लुक बहुत अच्छी आती है, और पुलाव की लुक भी बहुत अच्छी आएगी इससे, और ब्राउन भी जल्दी हो जाएंगे प्याज हमारे। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन, अब इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे हम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी अनियन ब्राउन हो रही है, इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हम, अच्छे से इसको ब्राउन करेंगे हम। हमारी अनियन तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने आपको दिखाया था, अच्छे से इसको सौते करेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए, अच्छे तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम अपना खड़ा मसाला सारा मिक्स कर देंगे, जो जो आपको दिखाया था मैंने, सारा खड़ा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे आपस में,
अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अपनी दही ऐड कर देंगे। दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, दही भी मिक्स हो गई है, इसमें टमाटर भी मिक्स हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू बुखारे, 6 से 7 आलू बुखारे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बड़े ही मज़ेदार लगते हैं पुलाव में, आप भी ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार लगते हैं पुलाव में डले हुए। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको, अच्छे से अभी भी मिक्स करेंगे और पानी डाल डाल के भूनेंगे ताकि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं वो नज़र ना आए, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम अपना बॉयल हुआ हुआ गोश्त ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला इसमें ऐड हो जाए, गोश्त में सारा जायका सारा गोश्त में ऐड हो जाए। बहुत ही मज़ेदार पुलाव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। अच्छे तरीके से हम इसे भूनेंगे अभी 5 से 10 मिनट। देखिए 5 से 10 मिनट हमने इसको अच्छे से पकाया गोश्त को डाल। अब हम इसमें अपनी यखनी ऐड करेंगे। अगर यखनी के अलावा आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप ऐड कीजिए पानी, मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही, बस यखनी शामिल कर रही हूँ मैं। अब इसको ढक्कन दे के रख देंगे जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। चलें इसके बॉयल होने तक मिलते हैं फिर से। देखें हमारा जो मसाला था उसमें हमने पानी डाला था, बिल्कुल रेडी है, बॉयल भी आ चुका है इसमें। अब इसमें हम अपने चावल शामिल करेंगे। नमक चख लीजिएगा आप, अगर नमक की ज़रूरत हो तो इस पॉइंट पे आप नमक ऐड कर सकते हैं। मेरा नमक कम है तो मैं नमक ऐड करूँगी इसमें। अगर आप नमक कम खाते हैं तो कम इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा खाते हैं या नॉर्मल खाते हैं हसब ज़ायका, जितनी आपको ज़रूरत हो नमक की आप उतना रख सकते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा कम था इसलिए मैंने डाला है। अब इसमें हम अपने चावल ऐड करेंगे। पानी का सबसे अच्छा अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि 1 इंच ऊपर हो चावलों से पानी आपका, तो बिल्कुल सही आपका पानी डलेगा। मेरा ऐसा ही है, 1 इंच ऊपर है। देखिए व्यूअर्स, हमारे चावलों का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ज़रा भी पानी नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो हम जब इसको दम लगाएंगे तब खुश्क हो जाएगा। अभी इसमें हम अपनी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे, सारी ऐड कर देंगे इसमें। देखिए व्यूअर्स, अब हम दम रखने लगे हैं अपने। हमने एक तवा रखा है, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें आप, फिर एक कपड़े में अपना ढक्कन लपेट कर और अच्छे से अपने वेसल पे दे दें और अपनी आंच जो है, फ्लेम जो है अपना तेज़ करें। हाई फ्लेम पे आपने पतीले को भी गर्म करना है और तवे को भी इतना गर्म करना है कि वेसल में भाप बन जाए। जब इसमें भाप तैयार हो जाएगी तो हम अपना फ्लेम लो कर देंगे।
ये देखिए व्यूवर्स, इसमें भाप बन चुकी है। अब इसको हम दोबारा ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। जी अब हम अपना दम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अपनी फ्लेम को हाई करेंगे। हाई करके थोड़ी सी देर हाई रखकर बंद कर देंगे अपने फ्लेम को। और ये देखिए हमारी पुलाव तैयार है, हमारी यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी मज़ेदार और अलग अलग खिले खिले चावल तैयार हैं। आप इसे बिल्कुल ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह की बनी है। मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस बिल्कुल फ्री देखने को मिलेंगी। लाइक करें, शेयर करें और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इसको जिस रायते के साथ भी सर्व करना चाहते हैं, आपको पसंद है आप लीजिए। मैंने ये रायता बनाया है ब्लैक पेपर का, इसमें टमाटर, प्याज और खीरा ऐड किया है। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। किचन विद इशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।